हेलो फिफ्थ क्लास, दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर बुक. ओपन योर बुक्स ऑल ऑफ यू एंड टेक अ पेंसिल विद यू ऑल्सो. फाइन, नाउ दिस इज योर चैप्टर नंबर 10, मोडल्स. थोड़ी आपकी स्क्रीन, जो स्क्रीन है आपकी, मेरे जो जिसको देख के मैं रीड कर रही हूँ, थोड़ी सी ब्लर है, तो आप अपनी बुक से इसको स्टडी करेंगे. ओके, नाउ आपके यहाँ पर क्या है कि जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ इच्छा जाहिर करते हैं एंड एनी प्रॉमिस है, या आपकी कोई अच्छी हैबिट बताना चाहते हैं कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, या मैं आपके साथ ऐसा अच्छा हो, या मैं अपनी एबिलिटी बताती हूँ, यानी आई कैन स्विम वेरी फास्ट. ओके, तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं आपको जो स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं, इन वर्ड्स को बोला जाता है मोडल्स. राइट, लाइक आपके स्क्रीन पे यहाँ पे भी है, इन इंग्लिश मोडल्स आर द ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं विच हैव नाइदर, ना तो उनका पार्टिसिपल होते हैं साथ में, ना वो उनके साथ इन्फिनिटिव्स लगते हैं. मतलब क्या किया था हमने, टू लगाकर उस वर्ड वर्ब को यूज करेंगे, नो ना उसके साथ हम आईएनजी यूज करते हैं. लाइक आपका शैल, शुड, विल को अगर हम पास्ट में यूज करते हैं तो वुड हो जाएगा, कैन, कुड, मे, माइट हो जाएगा. अब आपके सामने कुछ थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं. यहाँ पर देखिए आपके यूज क्या होता है, कहाँ पर आप शैल और विल का यूज करेंगे. हमें मालूम है हम इसको जनरली यूज करते हैं विद आई और वी के साथ यूज करते हैं शैल को, और रिमेनिंग आई और वी के अलावा जो भी रिमेनिंग बच जाते हैं हमारे प्रोनाउंस, उनके साथ हम विल यूज करते हैं. जैसे हमारा एग्जाम्पल दिया है बुक में, देखिए, आई शैल बाय अ लैपटॉप, यू विल गो टू द मार्केट. बट इफ अ सेंटेंस रेफर्स टू द प्रॉमिस, कोई अभी जैसे मैंने बैक साइड में कोई इच्छा जाहिर हो रही है, विलिंगनेस हो रही है, कुछ इच्छा जाहिर कर रही हूँ मैं, सर्टेनिटी यानी कुछ चांसेस वाले सीन, डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, कोई धमकी टाइप, तो इस तरीके के जो वर्ड हैं जो हम यूज करते हैं उनमें हम विल शैल यूज होगा. ओके, नाउ कि हाँ मैं तुम्हें देख लूंगी, तो आई विल सी यू, हो गया ना, आई विल सी यू, तो इस तरीके से. एंड नेक्स्ट वन इज कैन. कैन का अभी मैंने आपको बताया था, एक एबिलिटी शो करने के लिए कि मैं ये सारे सम सॉल्व कर सकती हूँ, कि मेरे में इतनी क्षमता है, एबिलिटी है, मैं इतना कर सकती हूँ. या हम अपनी एबिलिटी कहो या अपनी पावर को यूज करना कहें कि हाँ भाई वो लड़का है ना पूरी बुक को है ना इतनी देर में रीड कर सकता है, तो मैंने उस बॉय की एबिलिटी पावर बताई है. ओके, एंड पॉसिबिलिटी, हाँ इट कैन बी रेन, कि हो सकता है बारिश आ जाए, पॉसिबिलिटी है. या हम किसी को परमिशन देते हैं, लेनी परमिशन, कैन आई गो, या यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं. लेने में भी परमिशन को और देने में भी हमने दोनों जगह पे क्या यूज किया है, कैन यूज किया. और एक पोलाइट रिक्वेस्ट में भी आप कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर, इस तरीके के क्वेश्चंस में भी आप कैन यूज करेंगे. एंड कैन इज यूज टू शो द नेचर, कि नेचर को कि हाँ वह सच बोल सकता है लेकिन नहीं बोल रहा है, कि हाँ आप उसके नेचर के बारे में इतना जानते हैं कि वो सच बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं है. ओके, नाउ द यूज ऑफ मे. मे इज यूज फॉर द फॉर्मल, एक फॉर्मल हम एक नॉर्मल सी परमिशन लेने के लिए, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ. एंड पॉसिबिलिटी में भी, जैसे मैंने बोला था इट कैन रेन, तो इट मे रेन टूडे, कि हाँ आज बारिश आ सकती है. इस तरीके के सेंटेंसेस में हम इनको यूज करेंगे. और आपके ये बहुत सारे और हैं जिनको आपको रीड करना है. लाइक मैं बोलूँ हमें ऐसा काम सिंसियरली से करना चाहिए, आपका क्या हो गया, सिंसियरली वर्ड से हमें काम करना चाहिए, कोई सजेशन दे रहे हैं हम, ठीक है, या किसी ओपिनियन को यूज करने के लिए, लाइक विच वर्क शुड आई डू फर्स्ट,
कि किसी से ओपिनियन ले रहे कि कौन सा काम मुझे पहले करना चाहिए, या जैसे ऑब्लिगेशन के लिए, ऑब्लिगेशन यानी आई शुड बी एट वर्क, कि हाँ अब मुझे अपना काम कर लेना चाहिए, कि मैं अपनी ड्यूटी शो कर रही हूँ कि मैंने बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, अब तो मुझे अपना काम ही करना है. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी, यानी चांसेस शो करने के लिए, कि हाँ ही शुड बी हेयर सून, कि हो सकता है वो जल्दी आ जाए यहाँ पे, ठीक है, पॉसिबिलिटी है उसकी यहाँ पर आने की. एंड वुड की हम पास्ट में यूज करते हैं विल की प्लेस पे, पोलाइट रिक्वेस्ट होनी चाहिए एंड विल का पास्ट होता है. एंड नेक्स्ट वन इज वुड इज यूज टू एक्सप्रेस द ओपिनियन और होप. ओपिनियन यानी किसी को राय देने के लिए, या अपनी होप आई विल बी देयर, आई होप आई विल बी, आई वुड बी लाइक टू से समथिंग, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं आप, ओपिनियन शो कर रहे हैं आप, विश, फाइन. एंड नेक्स्ट वन इज योर यूज ऑफ कुड. कुड यानी मैं जब छोटी थी तो मैं ऐसा कर सकती थी, पॉसिबिलिटी एबिलिटी भी शो हो गई. एंड पोलाइट रिक्वेस्ट भी, कि क्या तुम बता नहीं सकते थे कि मैं सच बोल रही थी, है ना, इस तरीके के. नाउ यू हैव द यूज ऑफ माइट. माइट इज यूज फॉर 50-50 वाला जो चांसेस होता है, हम वहां पर माइट यूज करते हैं पास्ट में, बिकॉज मे हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, एंड माइट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे. एंड माइट इज ऑल्सो यूज फॉर द पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए, या किसी कमजोर पॉसिबिलिटी, इट मीन्स इसके चांसेस बहुत कम है. शी माइट हैव अटेंडेड द, कि हो सकता है वो मीटिंग अटेंड करे, चांस कम है. नाउ यू हैव द क्वेश्चंस, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द वर्क बाय योर ओन. आई थिंक आई डैश एंजॉय अ हॉलीडे. अब वो सोच रही है ना, इच्छा जाहिर कर रही है कि हो सकता है मैं अपनी छुट्टी जो है स्कॉटलैंड में जाहिर करूंगी, इंजॉय करूंगी. तो आई वुड एंजॉय अ हॉलीडे इन स्कॉटलैंड. ओके, नेक्स्ट वन इज यू शुड गो टू द हेयर ड्रेसर. हमने किसी को ओपिनियन दी है कि आपको हेयर ड्रेसर के पास जाना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन कुड मे माइट. तो फर्स्ट वन इज कुड यू प्लीज पास मी, कि प्लीज आप मुझे वहां से वो बुक पास करेंगे प्लीज. ओके, नेक्स्ट वन इज फाइनल चैलेंज. डैश यू प्लीज टेल मी द डायरेक्शन टू द होटल. कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डायरेक्शन होटल कहाँ, रास्ता पूछ रहे ना हम, तो कैन यू प्लीज. ओके, नाउ यू क्या आएगा, यू शुड पे इन कैश, कि आपको पे कैश में ही देना चलेगा, देना पड़ेगा आपको. हम जो है एक्सेप्ट नहीं करते, क्या नहीं एक्सेप्ट करते, क्रेडिट कार्ड्स. तो इस तरीके से हम अपने आंसर्स को करेंगे, फाइन. यहां से आप अपने आंसर्स